मिला जो टैक्स मुक्त जगह है, टैक्स हेवन जो उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बुलंद आवाज उठाई और मांग की कि G20 को इस विषय पर इस दिमाग की जरूरत है। अगले हफ्ते 9 तारीख को यानी कि आज से 9 दिन बाद नई दिल्ली में 18वां G20 18वां, पहला नहीं, दूसरा नहीं, 10वां नहीं, 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने और आज सभी अखबारों में, अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार, हमारे देश के अखबारों में खुलासा हुआ जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री के शहीदे को प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति पूंजीपति ने शेयर कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है, ये सब खुलासा आज अखबारों में। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी 5 बजे को राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे विस्तार से। राहुल जी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे आज शाम 5। मैं बस यही कहूंगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे कि हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला। हमने ये सवाल उठाए, रोज हम 30 सवाल उठाया करते थे। आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री को कहा माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेयर कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो ये अडानी के शेयर कंपनियों में पाए गए हैं कि असली मालिक कौन है कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया और आप जानते हैं वो भाषण देने का एक नतीजा 20 दिन बाद उसका डिस्क्वालिफिकेशन था। ये बहुत गहरा मामला है, ये अडानी का मामला नहीं है, ये ओडानी का मामला। प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता, ये मुद्दा है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। 5 बजे को राहुल जी, जिन्होंने पिछले 1 साल से सवाल उठाया है संसद के अंदर, उनको भुगतना पड़ा, 4 महीने के लिए वो डिस्क्वालीफाइड हुए, और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर
दोहराते हैं, आज का जो बड़ा दुर्लाता हुआ उसको फिर एक बार बीजेपी